सौबात की एक बात यह कि और कितनी देखनी पड़ेंगी सरकारी स्कूलों की बदहाली की तस्वीरें। रिवनी में छत पर पॉलिथीन लगाकर पानी रोकने की तस्वीर आ गई। पूरा प्राइमरी स्कूल एक ही कमरे में चल रहा है कई साल से, एक ही कमरे में पहली क्लास भी, उसी कमरे में दूसरी क्लास के बच्चे, उसी कमरे में तीसरी क्लास के बच्चे, उसी में चौथी के, उसी में पांचवी के, उसी कमरे में खाना भी बन रहा है क्योंकि वही स्कूल का किचन भी है। लेकिन उस एक कमरे की छत की भी मरम्मत नहीं हो रही, पानी गिर रहा है सीधा नीचे बारिश में, तो उसमें बड़ा सा पॉलिथीन लगा दिया गया, शीट लगा दी पॉलिथीन की, तिरपाल की तरह। यह तो हालत है। ये सरकारी विभागों के अधिकारी क्या ये सब देखते नहीं है, या सरकार को बताते नहीं है, या बजट नहीं है, या बजट कोई मांगता नहीं है, या किसी को कोई मतलब ही नहीं कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं वो तो बाद की बात है, पढ़ कैसे रहे हैं, और क्या काम होते हैं प्राथमिक शिक्षा विभाग के, ये बच्चे क्या हासिल कर लेंगे, प्राथमिक शिक्षा की कोई प्राथमिकता ही नहीं है क्या, सिर्फ हाईवे थोड़ी बनाने, अगर बजट है तो जा कहां रहा है, ये क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है देखना, और बजट नहीं है सरकारी स्कूलों के लिए तो क्या अधिकारी हिसाब लगाकर बजट मांगते नहीं है, कोई रिपोर्ट बनाई जाती होगी ना कि इतने स्कूल ऐसे हैं जिनमें यह बहुत ही जरूरी मरम्मत करवानी है नहीं तो बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, ताकि पता तो लगे कि कितना पैसा चाहिए और वो पैसा अगर कहीं और से निकाल कर लगाना है तो लगाया जाए। सरकारी पैसा तो कई योजनाओं में सीधा अकाउंट में भी जाता है आजकल, तो वो पैसा ऐसे कामों में नहीं लगाया जा सकता। बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी कौन से खर्चे हैं विभागों के जो इसके लिए भी पैसा नहीं दिया जा रहा, कोई बताए तो सही। ऐसा तो नहीं कि पैसा तो आ रहा है लेकिन कहीं और ही जा रहा हो। पब्लिक यही सब देखकर तो मान जाती है कि भ्रष्टाचार हो रहा होगा। स्कूल और अस्पतालों पर पैसा खर्च करने के बाद ही तो बाकी स्कीमों के लिए पैसा रखना होता होगा, या ऐसा हो रहा है कि बाकी स्कीमों में पहले डाल रहे हैं, इनके लिए बाद में रख रहे हैं। लेकिन कोई सीधी भाषा में हिसाब किताब पब्लिक के सामने क्यों नहीं रखते ये अधिकारी लोग? गांव देहात के गरीब मां बाप कोई सवाल नहीं कर सकते, कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो इस सब पर कोई ध्यान नहीं देता क्या? पॉलिथीन के नीचे पढ़ने वाले बच्चे क्यों नहीं मानेंगे कि उनकी सुनवाई नहीं है? शहरों के बच्चों की दुनिया अलग, इनकी दुनिया अलग। सौ बात की एक बात। न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।